नंदनवन जंगल में बंटी नाम का गरीब किसान कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन जोरों की बारिश होती है जिसमें उसका घोंसला पूरी तरह से टूट जाता है। तब वो अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टूनी चलो जंगल चलकर लकड़ी लाते हैं, फिर हम सब मिलकर लकड़ी का घर बनाएंगे। जब वो दोनों जंगल लकड़ी लाने जाने लगते हैं, तब उनकी बेटी टुनटुनी उन्हें रोकते हुए कहती है, पापा मम्मी मैं भी चलूंगी आपके साथ लकड़ी लाने, देखो मैंने भी एक छोटी सी टोकरी ली है। बेटा तू जंगल जाकर क्या करेगी, हम दोनों तो जा ही रहे हैं, तू यहीं रहकर गोलू का ध्यान रख। तू देख रही है ना अपना घोंसला टूट गया है, शाम होने से पहले जल्दी लकड़ी लाना है, घर भी तो बनाना है। ठीक है माँ आप लोग जाओ, मैं गोलू का ध्यान रख लूँगी। बंटी और टूनी जंगल लकड़ी लेने चले जाते हैं और टुनटुनी अपने भाई गोलू को संभाल रही थी। तभी गोलू जोर जोर से रोने लगता है। मत रो गोलू, मैं अभी तेरे लिए दाना लेकर आती हूँ, तुझे भूख लगी है ना, तू थोड़ी देर रुक मैं दाना लेकर आती हूँ। टुनटुनी अपने भाई के लिए दाना लेने जाती है, तभी जंगली बिल्ली गोलू पर हमला कर देती है। गोलू जोर जोर से रोने लगता है। जब टुनटुनी दाना लेकर आती है तो वो देखती है कि उसका भाई बुरी तरह से जख्मी पड़ा है और वो अपनी माँ टूनी को पुकारने लगती है। माँ देखो ना गोलू को किसने जख्मी कर दिया, माँ कहाँ हो, माँ जल्दी आओ। तभी बंटी कबूतर और टूनी लकड़ी लेकर वहाँ आते हैं। बेटा तू क्यों रो रही है, क्या हो गया? माँ किसी ने गोलू को घायल कर दिया है। बंटी जल्दी चलो गोलू को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, लगता है किसी जानवर ने इस पर हमला कर दिया है। हाँ टूनी पहले गोलू को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, फिर हम लोग लकड़ी का घर बनाएंगे। गोलू की हालत देखकर डॉक्टर उन्हें बताती है, जब बच्चे को किसी जानवर ने घायल किया उस समय आप लोग कहाँ थे, ये बच्चा पूरी तरह जख्मी है। डॉक्टर साहब हमारा घर टूट गया था इसलिए हम लोग लकड़ी लाने के लिए जंगल गए थे, ताकि एक लकड़ी का घर बनाकर उसमें आराम से रह सके। ठीक है मैं बच्चे को सुई लगा देती हूँ, समय समय पर आकर आपको इसको सुई लगवाते रहना है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। टूनी और बंटी कबूतर अपने बेटे को घर लेकर आते हैं और फिर लकड़ी का घर बनाने लगते हैं। कड़ी मेहनत के बाद उनका लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। तब टूनी बंटी से कहती है, बंटी ये घर तो बहुत सुंदर बना है, अब हमारे बच्चे आराम से रह सकते हैं। जंगल के सभी पक्षी उनका लकड़ी का घर देखते हैं। तभी उनमें से एक कौवी कहती है, बंटी तुम तो बहुत बड़े कारीगर निकले, तुम्हारा लकड़ी का घर बहुत सुंदर है, मेरे लिए भी ऐसा ही एक लकड़ी का घर बना दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पति जरूर आपका भी लकड़ी का घर बना देंगे। टूनी मैं बंटी को घर बनाने के लिए अच्छे दाने और चावल दूंगा। दाने की क्या बात है, हरी काका ये जंगल तो अपना ही है, बंटी अपना घर जरूर बना देंगे, आपको जो समझ में आएगा दे दीजिएगा। धीरे धीरे जंगल के पक्षी बारिश और तेज हवा से बचने के लिए लकड़ी का घर बनवाने लगते हैं। बंटी भाई तुम तो लकड़ी का घर ऐसा बनाते हो जैसा कोई कारीगर भी ना बना पाए, इसकी खूबसूरती के आगे तो पक्के घोंसले भी फेल है। लकड़ी के घर में इतनी ठंडक है कि गर्मी का एहसास ही नहीं होता। बंटी को लकड़ी के घर बनाने के लिए दूर दूर से ऑर्डर मिलने लगते हैं। ये सब देखकर टूनी बहुत ही खुश होती है। बंटी हमारा लकड़ी का घर बनाना लकी साबित हुआ, आपको एक अच्छा काम मिल गया। टूनी और बंटी कबूतर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। बंटी कबूतर की माँ बबली कबूतरी पर बैंक का बहुत सारा कर्ज हो जाता है, जिसको चुकाने के लिए वो अपने बेटे बंटी कबूतर की शादी काली और अमीर चिड़िया टूनी से कर देती है। एक दिन वो टूनी चिड़िया से कहती है, ओ काली का लूटी बहू जरा इधर आ, कहाँ मर गई है, आवाज सुनाई दे रही है या नहीं।
टूनी चिड़िया जल्दी से वहाँ पर आती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? बताइए क्या काम है माँ जी? जा मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आ और जरा दूध अच्छे से डालना। अपनी जैसी काली शक्ल की चाय बनाकर मत लाना जिसे देखकर मुझे उल्टी हो जाए। जा खड़ी होकर यहाँ पर मेरी शक्ल क्या देख रही है। टूनी चिड़िया अपनी सास की बात मानकर किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर लाती है। माँ जी ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय और जरा पीकर बताइए कैसी बनी है। बबली कबूतरी चाय पीकर खुश होते हुए कहती है, बहू तूने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। तेरा रंग रूप जैसा भी हो पर चाय तूने बहुत अच्छी बनाई है। ये हुनर तेरे अंदर बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अचानक से एक दिन बबली कबूतरी की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है और उससे कहती है, अरे बबली कबूतरी तेरे बेटे की शादी हुए एक महीना गुजर गया, तूने अभी तक बहू की मुंह दिखाई नहीं की। बहू की मुंह दिखाई करने का इरादा है भी या नहीं तेरा? जा अपनी बहू को बुला कर ला, मैं आज ही उसकी मुंह दिखाई कर देती हूँ। देखूँ तो सही हमारे बंटी की बहू कैसी है। क्या बताऊँ सुंदरी कौवी, मेरी बहू तो अभी बाजार गई है, आने में उसे अभी 2-3 घंटे लगेंगे। तुम फिर कभी मिल लेना। तो ठीक है मैं यही बैठती हूँ, कौन सा मेरे घर पर काम पड़ा है, आज तो बहू से मिलकर ही जाऊंगी। अच्छा तो बैठो सुंदरी कौवी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी पानी लेने के बहाने से अपनी बहू टूनी चिड़िया के कमरे में जाती है। देख टूनी चिड़िया, नीचे मेरी पड़ोसन सुंदरी कौवी आई है तेरी मुँह दिखाई करने के लिए, और मैं नहीं चाहती वो तेरी मुँह दिखाई करके पूरे जंगल में मेरी बदनामी करे। माँ जी अगर वो मेरी मुँह दिखाई कर देंगी तो उसमें आपकी बदनामी कैसे होगी? चुप कलमुही, तूने अपना चेहरा कभी आईने में देखा भी है नहीं? ऐसा लगता है जैसे काला भुजा हुआ कोयला है। खबरदार जब तक मैं ना कहूँ तू अपने कमरे से बाहर मत निकलना। बबली कबूतरी पानी लेकर सुंदरी कौवी को देती है। ये लो सुंदरी कौवी पानी पी लो। मैंने कहा ना तुम कब तक मेरी बहू का इंतजार करोगी, उसे काफी देर लगेगी आने में। अच्छा बबली कबूतरी मैं चलती हूँ। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन सुंदरी कौवी अपने साथ जंगल की कुछ चुड़ियाओं को लेकर बबली कबूतरी के घोंसले में पहुँच जाती है। वो उसका दरवाजा बजाती है। उस समय बंटी और बबली लंच कर रहे थे। अरे टूनी चिड़िया जरा दरवाजा खोल कर देख तो लो कौन आया है। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। लगता है बबली ने नई नौकरानी रख ली है। टूनी बहू कौन आया है? अरे ये तो बबली कबूतरी की बहू लगती है, तभी उसने इसे बहू कहकर पुकारा है। अरे बबली कबूतरी तू इसलिए मुंह दिखाई नहीं कर रही थी क्योंकि तेरी बहू काली कलूटी है। क्या हुआ अगर मेरी बहू काली कलूटी है तो? पर ये तुम्हारी चिड़िया बहू से अच्छी है, ये मेरी घर की लक्ष्मी है, खाना तो इतना अच्छा बनाती है, बड़े बड़े होटल में ऐसे खाना ना मिले। तेरी बहू गोरी होने के बावजूद तेरी इज्जत नहीं करती, तुमने बहू की मुँह दिखाई कर ली, तुम जाओ यहाँ से। बबली कबूतरी तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, हमें भी जरा अपनी बहू की हाथ की चाय पिलाओ। ये लीजिए आंटी जी मेरी हाथ की बनी चाय, मैंने आपके कहने से पहले ही बना ली थी। टूनी चिड़िया तुमने सच में बहुत अच्छी चाय बनाई है, ये लो तुम्हारा नेक। रंग रूप से फर्क नहीं पड़ता, पक्षी के दिल से बढ़ता है, और तुम बहुत अच्छी हो। नेक देख कर वो सारी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। नदी किनारे एक जंगल में टूनी चिड़िया का परिवार रहता था। वो लोग सीधे सादे थे। टूनी चिड़िया की बहू मुनमुन पढ़ी लिखी और खूबसूरत भी थी। उसे सजने सवरने और मेकअप करने का बहुत शौक था। टूनी की एक बेटी बुलबुल भी थी, वो दिखने में बहुत ही साधारण थी। एक दिन, बहू ये क्या दिन भर अपने चेहरे पे लीपा पोती करती हो, ढंग से घर का काम कर लिया करो, दिन भर अपनी ही ब्यूटी संभालने में लगी रहती हो। मम्मी मैंने घर का सारा काम कर तो दिया है, अब थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल कर कुछ मेकअप कर लेती हूँ तो आपको क्या परेशानी होती है? वैसे भी मैंने मेकअप का कोर्स किया है, अगर मैं अपना भी मेकअप नहीं करूँगी तो सारा कुछ भूल जाऊंगी। कितना अच्छा होता मम्मी अगर मैं यहाँ एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती, घर में अच्छे खासे पैसे आने लगते, मोहल्ले की जो चिड़िया इधर उधर जाती है वो मेरे पास आ जाती। तुमसे जरा सा क्या कह दिया, तुम तो भाषण ही देने लगी। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। एक दिन बुलबुल मुनमुन से कहती है, भाभी तुम कितनी सुंदर लगती हो,
और तुम्हारे पर तो एकदम चमकीले हैं। काश भाभी मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर होती। क्या करूं दीदी, मैं आपको भी सुंदर बनाना चाहती हूं, लेकिन मम्मी तो मुझे करने ही नहीं देती। और क्योंकि तुम जानती हो मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, मैं तुम्हें इतना सुंदर बना दूंगी कि तुम अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगी। अरे बहू, मेरी बेटी को क्यों बहका रही हो? ज्यादा सजना सवरने में पैसे खर्च होते हैं। खबरदार बहू, तुमने जो मेरी बेटी के चेहरे पे लीपा पोती की तो मैंने आज तक अपनी बेटी के पंखों पर सरसों के तेल के अलावा कुछ नहीं लगाने दिया है। और ये जो तुम शैम्पू वैम्पू लगाती हो, इससे क्या होने वाला है? मेरा घर ही डिटर्जेंट ही जिंदाबाद है, उससे मैं कपड़ों को भी धो लेती हूँ और बालों को भी धो लेती हूँ। खाना बनाने के लिए जो सरसों का तेल आता है, उसे परों में भी लगा लेती हूँ। खाना भी बनता है और बाल में भी लग जाता है, अलग से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन जब से तुम आई हो, कभी क्रीम चाहिए तो कभी पाउडर चाहिए, कभी शैम्पू खत्म हो गया। तुम ये सब अमीरों वाली आदत मेरी बेटी को मत लगा देना। पक्षी दिन भर मेहनत करता है, तब दो पैसे कमाता है, और तुम इन पैसों को क्रीम पाउडर में खत्म कर देती हो। हाय राम, हमारे घर में ये कैसी बहू आ गई? मेरे तो करम ही फूट गए। मैंने कितनी बार हीरो बेटा से कहा तो गांव की किसी लड़की से शादी कर ले, लेकिन वो माना ही नहीं। उसे तो शहर की लड़की से शादी करनी थी। तभी हीरो चिड़ा मेहनत मजदूरी करके घर आता है और अपनी माँ को बताता है। माँ, कल बुलबुल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उसे अच्छे से तैयार करा देना। बुलबुल बेटा, कल तो अपने बालों और परों में सरसों का तेल अच्छे से लगा लेना, और तुझे मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू मेकअप कर लेगी तो लड़के वाले तुझे चुड़ैल समझेंगे। अगले दिन लड़के वाले बुलबुल चिड़िया को देखने के लिए आते हैं, लेकिन लड़का बुलबुल को रिजेक्ट कर देता है। लड़के वालों के चले जाने के बाद मनमन बहू टोनी से कहती है, मम्मी मम्मी, अगर आप बुलबुल का मेकअप करने की इजाज़त दे दें तो मेरा कमाल देखिएगा। ठीक है बहू, जब तुम इतना कह रही हो ये भी करके देख लेती हूँ। टोनी को आखिरकार मुनमुन के आगे झुकना ही पड़ता है। अगली बार जब लड़के वाले बुलबुल को देखने के लिए आते हैं, तो बुलबुल चाय लेकर आती है। ये लीजिए, हमारी नंद साहिबा आ गई। देखिए मेरी नंद कितनी खूबसूरत है, और मेरी नंद सर्वगुण संपन्न भी है। आप लोग पूरी तरह से तसल्ली कर लीजिए। मोंटू कबूतर की माँ बोलती है, बेटा तू भी अपनी तसल्ली कर ले, फिर बाद में मत कहना मैंने तेरी शादी जबरदस्ती कर दी। मोंटू कबूतर के ऊपर बुलबुल चिड़िया की खूबसूरती का जादू चल चुका था। मम्मी, मुझे लड़की पसंद है, मैं इससे शादी करूँगा। बुलबुल की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। बुलबुल के विदा हो जाने के बाद, बहू मैंने हर बार तेरी मेकअप के लिए तुम्हें डांटा, आज उसी मेकअप के चलते मेरी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो गई। मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ बहू। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है बबली कबूतरी की कौन सी पड़ोसन टूनी चिड़िया की मुँह दिखाई करने आती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।